हाँ देख लेते हैं। भाई साहब अब वो एक कोरियर का पता करना था। वेट कितना है भाई? 75 किलो होगा भाई। आपका नहीं, जो चीज कोरियर करानी है उसका वेट। नहीं नहीं नहीं, कोरियर करानी नहीं है, वो हमारा कोरियर आना है उसका मालूम करना है। अरे भाई तो वो फिर आपके घर पहुंच जाएगा ना। भाई साहब मैं कोरियर का पूछ रहा हूँ आपसे। भाई अगर इतनी जल्दी थी तो जहां से आना है उनके घर से जाके खुद ही ले लें अपना कोरियर। भाई आप समझ नहीं रहे, असल में इनकी शादी के कार्ड हैं। इनकी शादी के कार्ड? जी हाँ। यानी कि आपका मतलब है कि इनकी शादी के कार्ड इन्हीं को किसी ने कोरियर किया? बिल्कुल। अरे यार जाओ यार, मजाक नहीं करो, वैसे ही काम बहुत है। और यार मेरी जिंदगी मौत का मसला है, तुम इजी ले रहे हो। अच्छा चलें एड्रेस लिखें। ये एड्रेस अभी जो डिलीवरी बॉय गया इसी इलाके में तो गया, पहुंच जाएगा कुरियर भाई। नहीं दिख रहा लेकिन हाँ वो देख, वो बाइक जा रही है, उस आदमी को फॉलो कर। यार क्या मैसेज देना आ गया, कसम खुदा की आदमी को फॉलो करना पड़ रहा है। सामने से ले गया, वो इधर गया, इधर गया। अरे भाई रुको, हेलो चलना जल्दी कर। Can't find a way to stop it. So I think this feeling's chronic. हम तो कस्टमर हैं। तो भाई फिर क्या तकलीफ है, मुझे क्यों रोका है? भाई आपके पास हमारा कोरियर है, यही वाला, ये दे दो। बिल्कुल कोरियर है तो दे दो ना। आप में सवलदार कौन है? वो हमारे अंकल हैं। तो अंकल बनने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, जब आप बन जाओगे तो मैं आपको दे दूंगा। अरे भाई बात सुन, अरे देखो थोड़ी सी फीस ले ले यार। अरे भाई मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ फीस लूंगा। चलो ऑटो मुझे जाने दो। भाई एक मिनट बात तो सुन लो भाई। आप डाकू हो? नहीं तो नहीं यार, हम लोग शरीफ लोग हैं, शक्ल तो देखो हमारे। ओ तो फिर मैं आप लोग की बात क्यों सुनूं, मुझे जाने दो। चलो क्या जरूरत है तुझे कहने की, हम शरीफ लोग हैं, शरीफों को सुनता है। बैठ जा गाड़ी में, बैठना। यार तेरी कोई इज्जत नहीं, कोई बात नहीं मानता तेरी, चल चल अब। तेरे साथ रहा तो मेरी बाकी इज्जत है यार, पैसे भी ऑफर किए इसको। उठ यहाँ से ग्लूकोज, तू यहाँ छुपा बैठा है। वो कोरियर वाले ने हवलदार को पैकेट दे दिया है। अबे यार तू पैकेट हासिल करने के लिए कुछ करेगा भी क्या? नहीं क्या तुझे पता है ना, हवलदार ने अगर पढ़ लिया तो सबसे पहला काम क्या करेगा? सामान उठा के बाहर फेंक देगा हमारा। जी नहीं, वो दूसरा काम है, पहला काम तुझे गोली मारना है। ग्लूकोज खोल नहीं सकते पापा, हम नहीं खोल सकते। अरे क्यों नहीं खोल सकते पापा? ये बहुत बोरिंग सा कार्ड है ना, मैं अभी लैपटॉप लाती हूँ, मैं आपको लेटेस्ट डिजाइन दिखाती हूँ। ये क्या हो गया दूर में? अरे तो इस कार्ड को देखने में क्या हर्ज है? हवलदार साहब एक मिनट, आप इस कार्ड को नहीं खोल सकते। हवलदार साहब प्लीज प्लीज दिखा, प्लीज दीजिए ना प्लीज। ये हवलदार साहब प्लीज, आज तक मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में कोई पढ़ने लिखने से रोक नहीं सका, तो तुम कैसे रोक सकते हो? नहीं वो दरअसल, और मैं अपने डिपार्टमेंट में सबसे पढ़ा लिखा था। दावत ए वलीमा बसिलसिला शादी खाना आबादी नूर चश्म शाहरुख। नूर चश्म मुकाबला हमरा नूर चश्मी अनुशे। अनुशे वो दरअसल अंकल अनुशे। नहीं आप बात सुनेंगे तो मैं
आओ। तुम्हारी बीवी का नाम भी अनुष है? हाँ जी, अब बिल्कुल सही समझे आप। वो मैं तो उसको प्यार से ग्लूकोज कहता हूँ, उसका असल नाम अनुषे है। अरे वाह शाहरुख, तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारी बीवी का नाम भी अनुषे है। वो ग्लूकोज प्यार का नाम है ना, असल नाम तो अनुषे है। आवा बुलाओ उस फिनाइल ग्लूकोज अनुषे को, बुलाओ। जरूर अनुषे, अनुषे ग्लूकोज, अनुषे ग्लूकोज, अनुषे बेगम, इधर आ बेगम। अंकल को बताओ तुम्हारा नाम अनुषे है। जी अनुषे। अनुषे तुमने बताया क्यों नहीं? अब प्यार लो ना, बैठो बैठो बैठो, भाई जीती रहो जीती रहो जीती रहो, सदा सुहागन रहे। आमीन। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। सब आमीन। तुमने बताया नहीं तुम्हारा नाम अनुषे है। बस अजीब ही इत्तेफाक है, मैं देखिए इनसे फिर लड़के अपने घर चले गए, मैं क्या करूं, मेरी बात ही नहीं सुनते हैं ये। अरे अरे परेशान ना हो परेशान ना हो, देखो ये छोटी मोटी बातें दुनिया बीवी के दरमियान होती है ना, अगर आइंदा ये तंग करे तुम मुझे बताना, मैं इसको सीधा कर दूंगा। मैं सब बातें आपको बताऊंगी, अब सब बातें आपको बताऊंगी, सीधा कर दीजिएगा इसको। बिल्कुल तुम फिक्र ही ना करो, कोई भी मसला हो सीधा तुमने मुझसे आके बात करो। सब बातें आपसे आके शेयर करूंगी। मैं जरा आती हूँ, वो शायद खाना चल रहा है। हाँ शाबाश बादशाह, बड़ी शुक्र। अनुषे हमारे मत आना, महलों में बैठी बेग में मेरी जान। जी 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 सुनो, ये शाहरुख का ताया है गांव में। भाई जी होंगे। हाँ भाई जी, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल ठीक 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 जी जी, बड़ी मुश्किल से हॉल बुक हुआ है, बड़ी सिफारिश लगाई है हमने। हाँ हाँ आप फिक्र ना करें, सारे मेहमानों के लिए गेस्ट हाउसेस बुक कर दिए हैं। जी हाँ, कोई जरूरत पड़ेगी तो आपको बता दूंगा जी। खुदा हाफिज। हाँ भाई देखो जरा लिस्ट चेक करो, कोई मेहमान रह तो नहीं गया? आप अपने रिश्तेदारों का कन्फर्म कर लें, उन्होंने आकर तमाशा लगाना होता है। ये भाई जी का ही फोन था ना? एक तो तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारी मत मारी हुई है कि उनसे पूछ के वलीमे की तारीख क्यों नहीं रखी। और आपके रिश्तेदारों को तो जैसे मैं जानती नहीं हूँ, आज तक याद है मुझे, मुझे बिहाने आए थे तो आधी बारात इस बात पर नाराज हो गई थी कि दुल्हन के साथ फोटो नहीं खिंचवाई हमारी। मुझे भाई जी और बहन जी से डर लग रहा है कि लड़की वालों के सामने हमारा इमेज ना खराब कर दे। जब तक वो शादी पे लड़ ना ले, उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई फंक्शन अटेंड ही नहीं किया। आप भूल गए कितना परेशान था आपका बेटा कल कि हमने ऐसी कार्ड कोरियर कर दिया। आप इतने बड़े प्रोफेसर हैं, आपको खुद ख्याल होना चाहिए था ना कि जाकर दावतनामा देते। मैं प्रोफेसर हूँ, फलसफा पढ़ाता हूँ, वलीमे नहीं। कल चलते हैं, दावत दे आते हैं और शगन भी। हाँ तो उनको फोन तो कर लें। हाँ जरा मिला के दो ये ले। हाँ बात कैसे करनी है? हवलदार साहब से। हाँ अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हवलदार साहब, कैसे हैं आप? मैं प्रोफेसर राव। कौन प्रोफेसर राव? शाहरुख का बाप। जी हाँ, बस वो मैं पूछना चाह रहा था कि वो वलीमे के कार्ड मिल गए आपको? जी क्या हम चाह रहे थे कि हम आपके पास आए, कोई जरूरत नहीं। हेलो हेलो, अरे इन्होंने तो बंद कर दिया, कह रहे कोई जरूरत नहीं आने की। जाहिर है आपने कार्ड उठाकर कुरियर कर दिए, बुरा मान गए होंगे वो। अब मैं तो उनके लिए उनकी बच्चियों के लिए बाकायदा जोड़े लेकर जाऊंगी, जैसे दावतनामा लड़की वालों को दिया जाता है। हाँ ये ठीक है। सईद अहमद अब्बासी शेख ओएस
वरना मेरा ईद का चांद नाजो चांदनी। हाँ हाँ घर पे ही आ जाओ। अरे हाँ ठीक है ओके।